रहमान रहीम, हम अपने सबक का आगाज करते हैं अल्लाह के पाक नाम के साथ। कभी आपने सोचा है कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आज से 5 साल बाद आपके अखलाक क्या होंगे, आपका किरदार क्या होगा? इसके लिए आज से ही आपको मेहनत करना है और रोज़ करना है। इसको कहते हैं अपनी ज़िंदगी की दुरुस्त सिमत मुतय्यन करना और पेशबंदी करना, अपने ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को कुछ असूलों का पाबंद करना। अगर आपने नहीं सोचा तो कुछ असूल आपने बनाए ज़िंदगी गुजारने के। सबसे पहला असूल है बी प्रोएक्टिव। मैं अपनी ज़िंदगी का इंचार्ज खुद हूँ, यानी मैं जो भी कोई काम करता हूँ अच्छा काम करने में हमेशा पहल करता हूँ। मैं ये इंतज़ार नहीं करता कि लोग मुझे कहें कि ये तुम काम कर लो। मैं हमेशा सही काम करता हूँ, कोई मुझे देखे या ना देखे। यानी मैं अकेले में हूँ या सब के बीच में, अगर मैंने सच बोलना है तो सच बोलना है। मैं अपने अमल और रवैये का इंतखाब खुद करता हूँ, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता, मैं किसी के बहकाने से बहकता नहीं हूँ। मैं अपने गलत अमाल का इल्ज़ाम दूसरों को नहीं ठहराता, अगर मुझे गलती हो जाए तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो आज हम बात करेंगे माई विलेज। विलेज कहते हैं गांव को, माई मेरा, मेरा गांव। तो ये अपनी बुक खोलें, इसमें से देखें, लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड। ये आपका है पेज नंबर 81। तो लुक एंड रीड। वेयर इज़ माई हैन, वेयर कहाँ के लिए इस्तेमाल होता है? जब एक सवालिया फिक्रा इस्तेमाल होता है तो वो आखिर में एक सवालिया निशान पे ही बंद किया जाता है। वेयर इज़ माई हैन, कहाँ, माई मेरी और हैन मुर्गी। अगर इसका पूरा तर्जमा करें, वेयर इज़ माई हैन, मेरी मुर्गी कहाँ है। लेट्स हेल्प अली फाइंड हिज हैन, आओ अली की मदद करें उसको उसकी मुर्गी ढूंढने में। अली जो है एक गांव का बच्चा है, उसकी मुर्गी खो गई है और वो मुर्गी की तलाश करना चाहता है। तो आए हम मिलके अली की मदद करते हैं उसकी मुर्गी ढूंढने में। अली इज इन हिज विलेज, अली अपने गांव में है। अली, अली जो है वो नाम है, हिज अली की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। अली इज इन हिज विलेज, अली अपने गांव में है। ही लॉस्ट हिज हैन, ही लॉस्ट हिज हैन, उसकी मुर्गी खो गई है, या लॉस्ट होता है गुम हो जाना, उसकी मुर्गी गुम हो गई है। ही लॉस्ट हिज हैन, हैन कहते हैं मुर्गी को, उसकी मुर्गी खो गई है। अब वो मुर्गी को कहाँ कहाँ ढूंढने जा रहा है? ही लुक्ड इन द ग्रीन फील्ड्स, लुक्ड कहते हैं देखना, देखा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, लुक देखना और ईडी इसके आगे लग गया तो इसका मतलब है लुक्ड। उसने देखा ग्रीन सबज खेतों में फील्ड, यानी उसने उसे सबज खेतों में तलाश किया लेकिन उसे मुर्गी वहाँ पर भी नहीं मिली। ही लुक्ड नियर द ट्यूब वेल, आपको पता है कि गांव में पानी के लिए ट्यूब वेल्स होते हैं, और वेल कहते हैं कुएं को, और ट्यूब क्योंकि पाइप के साथ इसमें से पानी निकलता है इसलिए इसको ट्यूब वेल कहते हैं। उसने, ही लुक नियर द ट्यूब वेल, उसने ट्यूब वेल के करीब आसपास भी उसको देखा लेकिन उसे मुर्गी नहीं मिली। फिर उसने कहाँ देखा? ही लुक्ड इन द फॉर्म, फॉर्म में आपको पता है कि जानवरों का बाड़े को फॉर्म कहते हैं, और इसमें मुर्गी के अलावा गाय भैंसें भी होती हैं, बकरियां भी होती हैं। तो उसने जानवरों के बाड़े में भी मुर्गी को देखा। ही लुक्ड इन द फार्म, उसने जानवरों के बाड़े में देखा। ही लुक्ड अंडर द ट्रैक्टर, अब ट्रैक्टर भी होता है जो गांव में लोग होते हैं, उन्हें खेती बाड़ी करनी होती है, हल चलाना होता है। तो अंडर का मतलब है नीचे, ये प्रपोजिशन है अंडर जो हमें रिलेशन बता रही है कि मुर्गी ट्रैक्टर के नीचे उसने मुर्गी को ढूंढा। ही लुक्ड अंडर द ट्रैक्टर, ही लुक्ड नियर द मड हाउस, मड कहते हैं मट्टी को, हाउस कहते हैं घर को, नियर कहते हैं नज़दीक को। उसने मट्टी के घर के पास देखा, यानी उसने मुर्गी को मट्टी के घर के पास देखा। ही लुक्ड नियर द मड हाउस। एट लास्ट अली लुक्ड इनसाइड हिज रूम, आखिरकार अली ने अपने कमरे के अंदर देखा। द हैन वॉज ऑन हिज बेड, मुर्गी उसके पलंग पर थी, बैठी हुई थी। तो एट लास्ट अली लुक्ड इनसाइड हिज रूम, द हैन वॉज ऑन हिज बेड,
आखिरकार अली ने अपने कमरे के अंदर देखा, मोगी उसके पलंग पर थी। ये वीडियो आपकी खिदमत में पाकिस्तान होम स्कूल की तरफ से पेश की गई है। आप इसे यूट्यूब चैनल पे देखें, खुद भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं।